रिसर्च के मुताबिक हर 100 में से एक शख्स बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है, तो कहीं आप भी इस तरह की बीमारी का शिकार तो नहीं? जानने के लिए वीडियो जरूर देखें। आई एम डॉक्टर इज़ा एंड आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की एक बीमारी यानी कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाली हूँ। एक्चुअली ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान की जो शख्सियत होते हैं उसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं यानी कि जो मुख्तलिफ एरियाज हैं उनके अंदर मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले इस तरह का जो इंसान है वो अपने एहसासात को, अपने जज्बात को कंट्रोल करने में उसको मुश्किल का सामना करना पड़ता है, यानी कि ना वो अपने इमोशंस को सही से कंट्रोल कर पा रहा है, ना वो अपने इमोशंस को सही से रेगुलेट कर पा रहा है, यानी कि इमोशनल लायबिलिटी। फिर इस तरह का जो इंसान होता है उसका जो अपने बारे में, अपने आप के बारे में तसव्वुर होता है वो एक इंतहाई अनस्टेबल किस्म का होता है, यानी कि अनस्टेबल सेल्फ इमेज। फिर इस तरह का इंसान जब किसी से ताल्लुक बनाता है तो अचानक एक दूसरे इंसान को बहुत ज्यादा आइडियलाइज करना शुरू कर देता है और फिर अचानक से इंतहाई डिसलाइक यानी कि इंतहाई नापसंद करता है, जिसे हम आइडियलाइजेशन एंड डीवैल्यूएशन कहते हैं। फिर इस तरह के इंसान को हर वक्त एक ऐसे खदशे का सामना होता है कि जैसे लोग उसे छोड़ के चले जाएंगे, लोग उसे धोखा दे देंगे, यानी कि फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट। फिर इस तरह का इंसान जो है वो बड़े खालीपन का शिकार होता है, यानी फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। फिर जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का पेशेंट होता है वो बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा होता है, बहुत ज्यादा जज्बाती फैसले कर रहा होता है। तो ये इस तरह की जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं ये हमें बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के मरीज में नजर आती हैं। इस तरह की जो बीमारी है उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? तो सबसे पहले जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है, फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का रोल है, जिस तरह के माहौल में उसकी परवरिश हुई है, उसको तरबियत किस तरह की मिली है, या उसकी फैमिली में ऑलरेडी कोई इस तरह का मरीज रह चुका है, या फिर बचपन में उसे बहुत ज्यादा निगलेक्ट का, या किसी बहुत जहनी जिस्मानी हादसे का वो शिकार रहा हो, या बुलिंग का या ह्यूमिलिएशन का शिकार रहा हो, तो अपनी एडल्टहुड में जाके बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। अब इस तरह का जो मरीज होता है वो किस तरह के सिम्टम्स शो करता है? तो इस तरह का जो पेशेंट है वो अपने आप को नापसंद करता है, अपने आप को बिल्कुल अपने आप को प्यार नहीं करता, अपने आप के बारे में उसका इमेज अच्छा नहीं होता, फिर वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, सेल्फ हार्म की तरफ जाता है, और कभी कभार वो सुसाइडल अटेम्प्ट भी कर सकता है, यानी कि अपने आप को खत्म करने की कोशिश भी कर सकता है। हर वक्त एक चिड़चिड़ेपन का शिकार, हर वक्त एग्रेसिव रहता है, हर वक्त गुस्से का शिकार रहता है, लोगों से ताल्लुकात बनाने में उसको प्रॉब्लम्स का शिकार होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि लोग उसे छोड़ के चले जाएंगे, और फिर जब उसकी क्लोज रिलेशनशिप्स नहीं बन पा रहे होते, वो अपने इमोशंस को सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, तो लोग उससे ऑटोमेटिकली दूर होते चले जाते हैं, और फिर वो डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह के प्रॉब्लम्स का शिकार होना शुरू हो जाता है, और फिर इस तरह के लोग मंशियात के आदि भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो लीड करती रहती हैं इसकी जो एक स्क्वायर फॉर्म है उसकी तरफ। फिर बात करते हैं कि किस तरह से हम इस बीमारी को डायग्नोज करते हैं। तो जो हिस्ट्री होती है और कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन और फिर कंप्लीट साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के बाद एक डॉक्टर जो है वो इसकी तशखीस की तरफ जाता है, इसकी तशखीस करता है, और ये बीमारी भी हम 18 साल की उम्र के बाद ही जो है वो उसकी तशखीस कर सकते हैं। फिर हम इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं? तो सबसे पहले तो हम पेशेंट के जो ये सारे एरियाज हैं उन पर काम करने की कोशिश करते हैं, उसको जो है डिफरेंट थेरेपी सेशंस उसके साथ किए जाते हैं जिनमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपीज शामिल हैं, और इसके अलावा ट्रांसवर्स फोकस थेरेपीज शामिल हैं। इस तरह की थेरेपीज में उसके मूड को स्टेबल किया जाता है, उसके इमोशंस को स्टेबल किया जाता है, और उसको अपने बारे में जो उसका इमेज है उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। फिर उसके बाद उसका जनरली जो उसके सिम्टम्स हैं उनका इलाज किया जाता है। अभी तक कोई भी मेडिकेशंस इस बीमारी के लिए अप्रूव नहीं हुई, तो जो भी अलामात पेशेंट के अंदर नजर आती हैं हम उनको ट्रीट करने के लिए सर्टेन मेडिकेशंस पेशेंट को देते हैं, लेकिन ज्यादा थेरेपी सेशंस ही करते हैं जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। टिल देन बाय बाय।